हमारा मकसद किसी भी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी देना तथा सुरक्षा करना है। तो हेलो गाइस, क्या हाल है मेरे सभी भाइयों की। उम्मीद करते हैं मेरे सभी भाई बढ़िया होंगे और सभी भाई के सारे पालतू जानवर भी बढ़िया होंगे। तो भाई लोगों, अभी अभी मैं जस्ट छत पे आया हूँ और काफी ज्यादा रंग खेल के आया हूँ। देख लो भाई, दोनों हाथ देख लो भाई, ये देखो और रंग देखो भाई, इधर इधर भी पड़ा हुआ है। ये देखो भाई, काफी होली खेली गई है। अब आपको लग रहा होगा यार होली खेली गई है इस टाइम पे, तो भाई हमें बता दूं, हमारे कानपुर में भाई 7 दिन की होली होती है, 7 दिन तक होली लोग मनाते हैं फिलहाल तो, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला दिन होता है ना, जो बोलते हैं भाई गंगा मेला वाले दिन, तो भाई कम से कम नहीं तो 6 बजे या 5 बजे तक तो होली चलती है। खूब डांस होता है, खूब डीजे बजता है, आप लोग एक बार देख लेना, मजा आ जाएगा आपको। यूट्यूब में काफ़ी ज़्यादा वीडियो है, मैंने भी वीडियो डाल के रखी है, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वो भी आप एक बार वॉच कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और एक और चीज़ जो है वो भी चलती है, जो कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देखा होगा, ये जो बोतलें होती ना, काफ़ी ज़्यादा बोतलें खुलती हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा बोतलें खोलते हैं इस टाइप की। तो आज हम अपने कबूतर को ये पिलाने वाले हैं, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, मगर भाई ऐसा नहीं है। बड़ा हरामी हो बेटा। का रीजन बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं क्या हम अपने कबूतर को भाई शराब पिला सकते हैं कि नहीं पिला सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम अपने कबूतर को भाई शराब जो है ना वो भाई पिला सकते हैं, ठीक है। क्यों पिला सकते हैं वो भी मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा, बहुत बड़ा रीज़न है इसका, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लेना, ताकि हमारी बेहतरीन वीडियो नोटिफिकेशन आपसे जल्दी जल्दी मिल सका करे, ठीक है। भाई आप लोग एक काम करो ना, तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दो, इससे अच्छा बढ़िया रहेगा। दबा दिया, बहुत बढ़िया, एक बहुत बढ़िया काम किया। एक लाइक का बटन दबा दो, ये भी दबा दिया, अरे बड़े तेज हो यार तुम लोग। चलो भाई अब हम बता देते हैं भाई इसका क्या रीज़न है। मैं आपको बहुत बड़ा रीज़न बताता हूँ, जब आपके कबूतर को कोई गहरा जख्म लग जाता है, जैसे भाई बिल्ली ने पंजा मार दिया हो या बिल्ली ने दांत मार दिया हो, ठीक है। वैसे दांत मारते हैं तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कबूतर के बचने के। मान लीजिए कबूतर ने, बिल्ली ने पंजा मार दिया हो आपके कबूतर को, या फिर आपका कबूतर पतंग से कट गया हो, जो पतंग से आप देखते हो ना चाइना मंजा जो चलते रहते हैं आजकल, तो उसमें आपके कबूतर का पर कट गया हो, काफ़ी ज़्यादा गहरा कटा हो, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा हो, काफ़ी ज़्यादा खून बह भी गया हो उसका, तब इसका यूज़ होता है। जब कोई दवा काम नहीं आती ना, तो भाई ये दवा काम आती है, आप सभी को पता ही है, आप बहुत टैलेंटेड लोग हो यार, मुझे पता है, ठीक है। तो ये दवा भाई काम आती है। अब आपको देनी कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देते क्यों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई दोनों रीज़न बताऊंगा, तुम्हारा भाई हर चीज़ का रीज़न बताएगा, जितने डाउट है सब क्लियर कर देगा तुम्हारा भाई, क्योंकि इंस्टाग्राम में आए काफ़ी ज़्यादा लोग यही पूछते रहते हैं भाई ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं, तो तुम्हारा भाई किस लिए बैठा है, सारी चीज़ें बताएगा, टेंशन न लो, ठीक है। टेंशन लेने का नहीं, हमेशा देने का मेरे भाई, ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको यही बता देता हूँ, ये हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। ये यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि कबूतर ना दर्द कम माने, ठीक है। कबूतर शराब के नशे में रहे और कबूतर दर्द कम माने, या फिर कबूतर होता नहीं, जैसे कि बिल्ली आ गई, ठीक है, तो बिल्ली के मारे कबूतर डर जाता है, दहशत आ जाता है, तो वो दहशत कम रहे उसके अंदर, ठीक है, वो उस चीज़ को गम को भुला सके एक तरह से। लोग कहते हैं नहीं भाई गम को भुलाने के लिए हम पी रहे हैं, तो एक तरह से ये भी है कि हम गम को भुलाने के लिए या दर्द को भुलाने के लिए कबूतर को ये शराब पिलाते हैं, वो भी कितनी, 1 से 2 बूंद, बस 1 से 2 बूंद आपको कबूतर को पिलानी होती है, वो भी भाई एक ही बार, जिस दिन कबूतर को जख्म मिला हो ना उसी दिन पिलानी होती है, रोज़ रोज़ नहीं पिलाना आपको। जिस दिन कबूतर को जख्म मिला हो, जिस दिन कबूतर के आपके चोट लगी हो, जिस दिन बिल्ली ने पंजा मारा हो, जिस दिन भाई पतंग से आपका कबूतर का पर कट गया हो, उसी दिन, बस उसी दिन आपको 1 से 2 बूंद बस पिला देनी है, बस और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप अपने कबूतर को छोड़ देना, फिर आप अगले दिन देखो ना 24 घंटे के बाद आपका कबूतर फिर से वैसा ही हो जाएगा। आप जब सुबह आओगे ना कहोगे यार ये काफ़ी ज़्यादा नशे में है, आँखी बंद कर रहा है बार बार, ठीक है, तो भाई वो नशे में है इसलिए आँखी बंद कर रहा है। कबूतर के जो दर्द मानता है ना उसकी वजह से पिलाई जाती है, सिर्फ वो दर्द कम माने, ठीक है। इसको कोई स्पेसिफिक नशे के लिए नहीं पिलाई जाती है, या फिर अपने मजे के लिए चलो आज कबूतर को पिला के देखता हूँ, भाई उस वजह से बिल्कुल नहीं पिलाई जाती है। 1 से 2 बूंद सिर्फ और सिर्फ दवा के रूप में ही देते हैं, आप लोगों को पता भी होगा जो डॉक्टर होते हैं भाई, 1 से 2 डिब्बी बस, मतलब डिब्बी कह रहा हूँ, 1 से 2 ढक्कन टाइप के रोज रात को सोने से पहले पीते हैं, ताकि उनका माइंड जो है ना शार्प रहे, ठीक है। तो इसलिए वो लोग भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं आपको बता दूँ अपन लोग कबूतर में क्यों यूज़ करते हैं, अपन लोग कबूतर में इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कबूतर ना दहशत से मर जाता है, कभी कभार बिल्ली ने पंजा मार दिया हो तो वो दहशत से डर के मारे भाई वो कबूतर मर जाता है, तो वो डर उसको महसूस ना हो, बस
बस इसी वजह से भाई इसका यूज किया जाता है, और कोई यूज नहीं है स्पेसिफिक इसका, बस इसी वजह से कबूतर को 1 से 2 बूंद बस पिलाई जाती है। यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। काफी भाई पूछ रहे थे कि भाई पिछली वीडियो आपने बनाई थी तो उसमें आपने कबूतर को पिलाई थी कि नहीं पिलाई थी, और कैसे पिलानी होती है कि नहीं पिलानी होती है, मजे के लिए कि नहीं। भाई मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज मजे के लिए नहीं होती है, मजे के लिए बस ये आपका शौक चल रहा है यही बहुत है, ठीक है। आप अपने कबूतर पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, मगर उसको भी देख दाग के, ताकि कबूतर को कोई नुकसान तो ना पहुंचे भाई, उस हिसाब से ही आपको एक्सपेरिमेंट भी करनी होती है, और अपने उस्तादों से पूछ भी लिया करो, मगर उस्तादों को किसी को पैसे मत दिया करो, ठीक है। बिना पैसे के भाई अपने आप से सलाह ले लो, या किसी का कबूतरबाज से सलाह ले लो, ठीक है, उसके बाद ही कोई भी चीज़ किया करो, या एक्सपेरिमेंट करना हो अगर, या मुझसे पूछ लिया करो भाई इंस्टाग्राम की, देखो तुम्हारे भाई की इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, मुझसे पूछ लिया करो भाई, तुम्हारा भाई हर तरीके का एक्सपेरिमेंट करके डालता रहता है यूट्यूब में वीडियो, भाई उस तरीके के एक्सपेरिमेंट आप भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको करना है। मगर एक बार पूछ जरूर लेना कि भाई कर सकते हैं कि नहीं सकते, पता चला आपने कर दिया सुबह आपके सारे जाल में सारे कबूतर मरे पड़े हैं, ठीक है। तो भाई ये सब आप काम मत करना जिससे कबूतर को नुकसान हो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, और देखो भाई शाम का वक्त हो गया और पतंगे देखो कैसे उड़ रही हैं, इसलिए मैं कबूतर भाई उड़ा नहीं रहा हूँ, क्योंकि कबूतर का इधर इधर उधर पर कट जाएगा तो भाई काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और फिर इसका मुझे यूज़ करना पड़ेगा तुरंत के तुरंत, ठीक है। तो बस यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, आई होप सो लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन आइकन भी दिख रहा होगा उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारी बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप जल्दी से जल्दी पहुँच सके। और हाँ भाई, तुम्हारे भाई की इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएगा, कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो अपने भाई से जरूर संपर्क करना, ठीक है भाई। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, और हाँ भाई हैप्पी होली सभी भाइयों को, ठीक है, बाय बाय।